दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल से होम स्टाइल आलू पनीर सैंडविच की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं हमने इनको कैसे बनाया है। तो दोस्तों, आलू पनीर सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 स्मॉल साइज के पोटैटोज हैं बॉइल्ड, जिनको मैंने छोटा छोटा कट किया हुआ है, और थोड़ा सा पनीर है, इसको भी बहुत छोटा छोटा कट किया हुआ है। धनिया है जिसको बारीक चॉप किया हुआ है, और एक स्मॉल साइज़ का ही अनियन है जिसको चॉप किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है रेगुलर सॉल्ट, टोमेटो केचप, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। और आप अगर बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं तो ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। तो बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना, बिल्कुल सिंपल बनाना है मुझे इसे। तो पहले मैं इसमें ये सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, देन पेपर, चिली फ्लेक्स, जितने आप डालना चाहें। मैं थोड़े कम डाल रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हमारे यहाँ। और टमाटो केचप, और इस सबको एक हल्का सा मिक्स करूँगी। तो लीजिए दोस्तों, ये मैंने मिक्स कर लिया, और अब मैं ब्रेड के स्लाइस पर ये जो हमारा मिक्सचर बनाया है इसको रख दूँगी। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। हम आलू को मैश करके बनाते हैं तो उसका अलग टेस्ट आता है, लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे डाइस में जब हम बनाते हैं इसकी फिलिंग, तो इसका एक अलग टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें टमाटोज डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डालें। और अब इसको हल्का सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए फिलिंग इसके ऊपर। अब लेंगे नेक्स्ट स्लाइस। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि चीज़ डालना तो चीज़ डाल सकते हैं। मैं एक में डालूँगी, एक में नहीं डालूँगी। तो मैं एक सैंडविच में चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ और एक में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को चीज़ थोड़ा पसंद होता है और बड़ों को थोड़ा कम। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो ये रेडी है, और इसको मैं बनाऊँगी टोस्टर में। मैंने टोस्टर में थोड़ा सा घी लगाना है, देसी घी। आप चाहें तो बटर, ऑयल, जी जो भी चीज़ आपको पसंद हो लगा सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम है तो थोड़ा सा घी अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा सा तो लगाइए। तो घी हो गया मेल्ट, और इसमें अपने स्लाइस को रखेंगे और थोड़ा सा घी जो है ब्रेड के ऊपर भी लगा देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी सी क्रिस्पी हो बस। और टोस्टर को करेंगे क्लोज। और इसको होने देते हैं। तो ये हो गया रेडी। देखिए चीज भी मेल्ट होके बाहर आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और चलिए फटाफट से करते हैं इनको सर्व। तो लीजिए दोस्तों, मैंने सर्व कर लिया हमारे सैंडविच। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो आलू पनीर सैंडविच की, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।